Hey guys, welcome back to my channel. तो पिछले वीडियो में मैंने सम नंबर 40 खत्म किया इंटीग्रेशन का, आज मैं सम नंबर 41 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है वो भी दबा देना, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए सम नंबर 41 से स्टार्ट करते सॉल्व करना। सम में हमें दिया है लिमिट 2 1 एक्स लॉग एक्स डी एक्स, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको बाय पार्ट से सॉल्व कर लेता हूँ, तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx log x x dx dx, और ये है लिमिट 2 1। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा log x, x का इंटीग्रेशन मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, सो हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन करूंगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मतलब 1 बाय एक्स, सो हो गया 1 बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय 2। तो एक्स एक्स कैंसिल, ये इंटीग्रेशन में ही है डी एक्स 2 1, सो हो गया लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 बाहर लिख देता हूँ, और इंटीग्रेशन ऑफ x हो गया फिर से, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट है 2 1। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसमें लिमिट्स डाल देता हूँ। सो पहले 2 डालता हूँ, तो ये होता है log 2 2 स्क्वायर मतलब 4 बाय 2 माइनस x की जगह 2 मतलब 4 बाय 4, ये 2 इंटू 2 ज्यादा 4 लिख दिया, ये सिर्फ b का वैल्यू हुआ। अब माइनस log x मतलब log 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4, सो ये हो गया 2 कैंसिल करूंगा, तो ये हो गया 2 log 2 माइनस ये 1 हो गया 1, log 1 होता है 0, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा 2 log 2 4 है तो माइनस 3 बाय 4। सो क्वेश्चन 41 का आंसर आता है 2 log 2 माइनस 3 बाय 4, और ये ऑप्शन सी। चलते अपने सम नंबर 42 पे। सम नंबर 42 में दिया है अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स। अब यहां मैं एक्स प्लस 1 बाय एक्स को ले लेता हूं जेड, अब इसको सॉल्व करता हूं, डी जेड सब्स्टिट्यूट किया हूं बेसिकली, सो ये हो गया 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी जेड के जगह में ये हो गया। और आपको बताया हूं मैं जैसे कि जब भी लिमिट का सम हो और सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट्स चेंज होता है, एक्स का था 1 2, सो जेड का हो जाएगा, जेड में 1 डालता हूं मतलब एक्स में 1 प्लस 1 बाय 1 मतलब 2 हो गया लोअर लिमिट, और अपर लिमिट के लिए 2, सो 2 प्लस 1 बाय 2 मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 बाय 2, सो z जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5 बाय 2। सो आपका सम हो जाएगा इंटीग्रेशन 5 बाय 2 2, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके जगह में मैं लिख दूंगा डी जेड, और x प्लस 1 बाय x के जगह z, सो ये बेसिकली बचा e टू द पावर z। तो अब इसको सॉल्व करना है, सो ये क्या होता है e टू द पावर z है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट्स e टू द पावर z मतलब e टू द पावर z ही हो गया 5 बाय 2 2। अब इसको b माइनस ए कर देता हूं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 5 बाय 2 माइनस e टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू, आंसर तो आ गया हम लोग का, पर ये जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दिया है उसको देख के हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा e टू द पावर 2 प्लस हाफ माइनस e टू द पावर 2,
सो ये हो जाएगा ई टू पावर टू कॉमन ले लूंगा, ई टू पावर हाफ मतलब रूट ओवर ई माइनस वन बचा। सो अब हमारा ऑप्शन मिल गया हमें ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का। यहाँ बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना था क्योंकि हमें ऑप्शन जो दिया हुआ है सब में वो ढूंढना था। सो मैंने वरना आपका आंसर यही आ जाता, ई टू पावर 5/2 माइनस ई टू द पावर 2। चलते सम नंबर 43 पे। सम नंबर 43 क्या दिया देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 203x² dx, बहुत ही ईजी सम है, सभी को आएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब x³/3, देखा आपने। और ये होगा लिमिट में 20। सो 3 अपर लिमिट डालूंगा, 2 का क्यूब 8/3 और 0 है, सो सिर्फ यही रहेगा, 3 3 कैंसिल। सो आपका इसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 43 का 8, और जो है ऑप्शन सी। चलते सम नंबर 44 पे। सम नंबर 44 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स ई टू पावर एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। इसको करते हैं अब सॉल्व। सो ये हो जाएगा 1 + 1 - x, 2 को स्प्लिट कर दिया मैं, बाय 1 - x होल स्क्वायर ई टू पावर एक्स डी एक्स। करते हैं इसको। सो ये हो जाएगा ई टू पावर एक्स, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। ये हो गया डी एक्स बाय 1 - x होल स्क्वायर प्लस ई टू पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x बाय 1 - x होल स्क्वायर डी एक्स। सो एक तो कट गया यहाँ पे। अब ये होता है ई टू पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 - x स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग 1 - x होल स्क्वायर प्लस ई टू पावर एक्स लॉग 1 - x प्लस सी। अब ये जो लॉग 1 - x होल स्क्वायर, इसको मैं 2 यहां लिख दूंगा, 2 ex log 1 - x प्लस ex log 1 - x प्लस सी। सो हमने तो यहां तक कर लिया इसको। इसको करने का एक और मेथड है वो बता देता हूँ, वो भी देख लीजिए। यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे जो है वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, पर मैं आपको एक और मेथड दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पे मैंने किया था 1 + 1 - x, यहीं से आपको कंटिन्यू करके दिखा रहा हूँ इस स्टेप से ही। सो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये एक स्टेप है और ये एक दूसरा स्टेप है। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 - x होल स्क्वायर प्लस 1 - x बाय 1 - x होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। ये कट गया, ये हो जाएगा 1 बाय 1 - x होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 - x ई एक्स डी एक्स। इस सम को आपको देख के कुछ समझ आ रहा होगा कि मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि f(x) + f′(x) मल्टीप्लाइड बाय ई एक्स क्या होता है। सो ये हमारा हो जाएगा ex/1 - x + c। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मतलब fx ये एज्यूम करेंगे तो आपका f′(x) ये निकलेगा, और ये मल्टीप्लाइड हो रहा है ई टू पावर एक्स से, और ये इंटीग्रेशन में भी है। सो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो यहाँ अप्लाई हो सकता है डायरेक्टली। ये जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं आपको बस दो मेथड से दिखा दिया कैसे होता है। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ई टू पावर x/1 - x + c। सो दोनों में सेम ही आंसर है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ये, और ऑप्शन है ए। चलते हैं अपने सम नंबर 45 पे। सम नंबर 45 यहाँ हमें दिया है यूजिंग बाय पार्ट सॉल्व द क्वेश्चन। सो इंटीग्रेशन ऑफ x³ log x dx। करते हैं इसको सॉल्व। सो ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x³ मतलब x⁴ 4/4 माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मतलब 1/x इंटू x³ का इंटीग्रेशन मतलब x⁴ by 4 x कैंसिल 3 dx। सो ये हो जाएगा x⁴ by 4 log x माइनस 1/4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x³ मतलब x⁴ by 4 प्लस सी। सो ये हो जाएगा x⁴ by 4 log x माइनस x⁴ by 16 प्लस सी। बहुत इजी था ये सम।
और इसका आंसर है x^4। इसमें कॉमन ले लेता हूँ मैं, क्योंकि आपका आंसर 1 आएगा नहीं जो ऑप्शंस में दिया है। x^4/16 ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 4 log x -1 + c। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का, और ये ऑप्शन बी। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सब नंबर 46 से कंटिन्यू करूँगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।